सर ऐसा है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम इतना कम है, एक गाना है, मेरे को पूरा नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा, मैं बलविंदर सिंह, गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट, और ये मेरे बाकी टीम है, इंद्रप्रीत सिंह, मुन्ना, रिक्की कुमार, विकास जी, रणदीप सिंह जी, ये मेरी टीम है। ये टीम, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन, और ऐसे ही हमारे बाकी जो टीम के मेरे भाई हैं, जो टीम के मेंबर हैं, हमारा जो कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन करके हमने ऐसे जो लोड़मंद, जो जैसे ये विकलांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, या कई ऐसी फैमिलीज़ हैं, जो विडोज़ फैमिली होती हैं, विडोज़ लेडीज़ होती हैं, या ऐसी ओल्ड बुज़ुर्ग जो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, जिनके घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, ऐसे लोगों की हम हेल्प करते हैं। और तकरीबन गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट का, जो जम्मू में तकरीबन मीडिया जानता है, नाम है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के पास जाना, क्योंकि संसार में इंसान को इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। और लेके ना तो कोई जो आया है ना, जो ज़मीन में धरती पैदा हुआ है, वो कोई कुछ ले के नहीं गया है, बस यही है, इंसान इंसान के सहारे जी रहा है। लेकिन आजकल तो जो पैसे वाले हैं वो तो पैसा निकालते नहीं हैं, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, फिर भी अपनी जेब से 200, 400, 500 ऐसे गरीब के लिए निकालता है, तो बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। जैसे हम ऐसे परिवारों के पास, या ऐसे लोगों के पास, या ऐसे बच्चों के पास पहुँचते हैं। कल हम आए थे इनके साथ, हमारा आज लंच का प्रोग्राम रखा है, हम राशन वगैरह जो भी है दे गए थे, तो इन्होंने बोला था बच्चों के पास शूज़ नहीं है, सॉक्स नहीं है, शूज़ नहीं है, सर्दी आ गई है, तो आप लोग थोड़ा, तो हमने इनको बोला था कि जितना भी शूज़ है, जितने भी बच्चे हैं हमारे को, आप डिमांड करो, इन्होंने हमें डिमांड दिया था। तो आज हम 30 पेयर शूज़ और सॉक्स वगैरह इनके लिए लेके आए हैं। और तकरीबन मैं आता रहता हूँ, मेरी टीम, हम लोग साल में 3-4 बार यहाँ आते रहते हैं, कोई बड़ा दिन आता है, गुरु नानक जयंती आती है, दीपावली आता है, कोई बड़ा पर्व आता है, हम आते रहते हैं, हम काफ़ी इन लोगों के पास आते हैं। इसके अलावा और भी एक शेल्टर होम है बाबा की साइड, हम वहाँ भी जाते हैं। तो बस यही कहना है मेरा, कि मैं संदेश देना चाहता हूँ दुनिया को, कि इन लोगों का कोई नहीं है, ना इनका माँ है, ना बाप है, हम ही लोग इनके जो आते हैं, जो इनको डोनेशन करके जाते हैं, इनको सामान सर्व करके जाते हैं, हम ही लोग हैं इनके। तो जहाँ आया करो, अपने घरों में खुशियाँ मनाते हो, अपने घरों में बड़े बड़े फंक्शन सेलिब्रेट करते हो, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जिनका कोई नहीं है, इनके साथ सेलिब्रेट करो, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इनके अंदर जो आत्मा है ना, उसमें ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से, मतलब वो नहीं, ना इनको लालच है, ना किसी चीज़ का, इनकी जो इंद्र की आवाज़ है ना, आत्मा की आवाज़, अगर भगवान जल्दी सुनता है, अगर अंदर से जो आवाज़ निकल गई ना, शायद इनकी दुआ किसी के काम आ जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम द्वारा अपनी टीम, पूरी टीम का जो मेरे साथ आए हैं, इसके अलावा जो मेरे टीम हमको सपोर्ट करते हैं, उसमें अपना कुछ NRI भाई हैं जो हमारे को डोनेशन करते हैं, वो जर्मन में हैं, और उसके अलावा जो आज जो हमने सेवा की है शूज़ की, ये हमारे एक मेगा पावर सर्विस इलेक्ट्रिक स्कूटी के मालिक राजेश डोगरा ने ये 30 पेयर की सेवा की है, और 30 पेयर ये अपना सॉक्स की जो सेवा की है, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं, तो लेकिन हमारे को ग्रुप में वो सपोर्ट करते हैं, ग्रुप के मेंबर हैं, तो हर बार उनका जो मैक्सिमम डोनेशन आता है, मैक्सिमम सेवा जो आती है, हम बार लोगों को करते हैं, तो मैं उनका, आपके चैनल के द्वारा उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया डोगरा साहब, आपका दिया हुआ सामान, दिया हुआ जो दान था, बच्चों के पास पहुँच गया है। तो और मैं बस थैंक यू, मैं इतना ही कहूँगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।